बुद्धे ज्ञानम असम्मोहा, निर्णय शक्ति सारा सृष्टि ज्ञान निर्मोही। क्षमा सत्यम दमा शमा, क्षमा भाव सत्य दमन शांति। सुखम दुखम भवा अभावा, सुख दुख उत्पत्ति अभाव। भयम च अभ्यम एव च, भय और अभय भी तथा। अहिंसा समता तुष्टि, किसी को दुखी न करना समान भाव संतोष। तपा दानम यशा अयशा, तपस्या दान यश अपयश। भूतानाम पृथग्विधा भावा, प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव। मत्त एव भवन्ति, मेरे से ही होते हैं। बुद्धे ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमा शमा। सुखम दुखम भवा अभावा, भयम च अभ्यम एव च। अहिंसा समता तुष्टि, तपा दानम यशा अयशा। भूतानाम पृथग्विधा भावा, मत्त एव भवन्ति। भावात् बुद्धिरूपा निर्णय शक्ति सारा सृष्टि ज्ञान, मेरे सिवा और सभी में निर्मोही। क्षमा भाव सत्य इंद्रिय दमन शांति। नई पुरानी दुनिया की शूटिंग के भी सुख दुख और भी अनेक सांसारिक उत्पत्ति अभाव। कोई से भी भय और अभय भी तथा। मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना समान भाव। अनायास जो मिले उसी में संतोष। आत्मस्तार की स्मृति रूप तपस्या दान यश अपयश आदि। प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव। मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। जो जगत पिता है और जगत पिता में शिव बाप प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो वो ज्ञान सुन करके होशियार है ना। बाप की बुद्धि है ना, जगत पिता की बुद्धि है ना, त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। कौन सी मूर्ति को? एक शंकर की मूर्ति है जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। तो वो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र कहा जाता है। क्या? शिव नेत्र। बाकी ऐसे नहीं कि वो आत्मा में वो शिव नेत्र सदा ही प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है सारे रंगमंच में, नहीं। वो सिर्फ संग युग में आकर के त्रिनेत्री बना कर जाता है, यानी बुद्धि रूपी नेत्र। इस संसार में ड्रामा का जो ब्रॉड ड्रामा है चार युगों का, चार सीन का, उसमें अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला है बुद्धि के आधार पर फैसला करके निर्णय करके क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उनमें अव्वल नंबर वो आत्मा सत्युग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर न आए, तब तक पक्का पक्का जो श्रीमत दी थी उसी के अनुसार बुद्धि चलाता है। निराकार निराकार ही ज्ञान देगा और साकार साकार ही ज्ञान देगा। तो बताया, साकार सृष्टि का कहीं ज्ञान कौन देगा? ऑल राउंड है सतयुग आदि से लेकर कलयुग के अंत तक का सारा ज्ञान कौन देगा? हाँ, जो मुकर रथधारी है आदम एडम जिसे कहा जाता है, और धर्मों में भी आदि देव, हाँ, वो सारी दुनिया का वो रचयिता है। लेकिन शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा इस कार्य के निमित्त है। शंकर का मुख्य पाठ क्या है? तीसरा नेत्र खोला और विनाश। तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब राजा हरिश्चंद्र का निर्मोही राजा का पाठ बजाया जाता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु,
पत्नी पत्नी नहीं, बाप बाप नहीं, भाई भाई नहीं, नाना चाचा काका ताऊ की तो बात ही नहीं। सारी सृष्टि का जो आसुरी सृष्टि है, जो जड़त्वमयी शक्ति बन चुकी है, कब्रस्तान बन चुकी है, उन सारी आसुरी शक्ति का विनाश। मोहम्मद गौरी को 17 टाइम माफ कर दिया क्यों? वो माफ करने के संस्कार थे ना, माफ करने के संस्कार थे। भोले भंडारी तो ज्यादा प्रसिद्ध है। और सिर्फ 3 टाइम ही, वो तो जो बोलने वाला बाबा है वो ऊपर वाला है या नीचे वाला? वो कौन है? वो ऊपर वाला है, नीचे वाला तो नहीं है। लेकिन ये 17 टाइम, तो यही तो ये अंतर बताया ना। माफ करने वाला एकलव्य होने के बाद वो दंड देना चाहिए ना। वो तो आपके हिसाब से जो मुसलमान है वो तो इतने क्रूर होते हैं कि एक बार भी माफ नहीं करते। नहीं किया। हाँ, वो क्रूर होते हैं। और हम तो रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे हैं। हम जानते एकदम ऊपर हो गया है तो अच्छा है ना। हम जो कर्म करेंगे हमें देख और भी करेंगे। तो हमारा काम वास्तव में किसी को दंड देना नहीं है। हमारा काम क्या है? कोई कुछ भी करता रहे लेकिन हम अच्छे काम करते रहें जितना हो सके। ये 17 बार माफ कर दिया। 17 बार हाँ, और आखिरी बार में उसका सर उड़ा दिया। जब उसे अंधा कर दिया ना तो सर उड़ा दिया। तो 18वीं बार वो जो हिम्मत है माफ करने की वो खत्म हो गई। ये भी क्षमा का सागर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा प्यार का सागर है। अभी 70 साल हो गए। क्या 70 साल में कितना माफ करता चला जा रहा है? अपने दिल से पूछो पहले। वो ठीक है बाबा। है? हाँ? हमको माफ करना ठीक है? हमको माफ करना ठीक है, गोई मोहम्मद को माफ करना ठीक नहीं है। देख लो। अरे जैसा अपने लिए समझते हैं ऐसे दूसरों के लिए भी समझो। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड ही सच्चा है। ट्रुथ इज गॉड। गॉड किसे कहें? सत्य को गॉड कहें। क्योंकि जो सत्य है उस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में भी लिखा है क्या, इस दुनिया में कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता। तो कौन है वो सत्य इस दुनिया में जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है? नहीं, नारायण तो नर से नारायण बनता है। नारायण को भी कोई बनाने वाला है या स्वयं बनता है? बनाने वाला है। तो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है। वो सत्य है और शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि एक ही है जिसे कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जिसको काल भी खा नहीं सकता, वो सबको खा जाता है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। तो शिव के मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है वो शिव भगवान बाप ज्योति बिंदु का बड़ा साकार रूप है। कौन? शंकर का वो संपन्न रूप दिखाया है जो याद में इतना गहरा चला जाता है कि उसे अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं रहता, जैसे कान होते हुए भी नहीं सुनता, आंख होते हुए भी नहीं देखता। नहीं तो दुनिया के कोई मनुष्य के सामने उसकी ग्लानी करके देखो कैसे आग बबूला हो जाता है, पर तो भगवान जिसमें प्रवेश करता है सारी दुनिया उसकी ग्लानी करती है। कलयुग के अंत में यहां तक कि कलंकी अवतार ही गाया जाता है, सारी दुनिया के थोपे हुए कलंकों को धारण कर लेता है। इसका मतलब कान नहीं है क्या? उसको बहरा है, है? शंकर को बहरा कहेंगे? कान तो हैं, लेकिन कान होते हुए भी सुनते हुए भी सुनता नहीं, दुनिया की कमजोरियों को देखते हुए भी देखता नहीं, जो क्रोध आ जाए नहीं। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं, इसलिए लिंग को ना आंख है ना कान है ना पांव है ना हाथ है, वो लिंग रूप दिखाया है। सारी नदियां इकट्ठी होकर के सागर में अपने अस्तित्व को मिक्स कर देती हैं कि उनका अस्तित्व अलग रह जाता है, मिक्स कर देती, एक सागर हो जाता है, है? जो सात महाद्वीप सात सागर बनाए बैठे हैं वो सात महासागर रह जाते हैं नहीं, एक ही सागर रहता है। आज भी उस एक सागर का नाम है प्रशांत महासागर, प्रमाणे प्रकष्ट रूप से शांत है, तुम्हारा शांत रहने वाला क्या जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रकष्ट रूप से 82-83 जन्म तक भी शांत सुख शांति में रहने का पार्ट बजाती है। कौन आत्मा? मनुष्य षष्ठी का हीरो पार्टधारी, जिसे शास्त्रों में अर्जुन नाम दिया है, विश्व विजेता है ना, उसका नाम ही है विश्वनाथ। दुनिया में जितने भी गुरु हुए हैं वो अपनी सभा में कोई को बोलने देते हैं? एक ही सदगुरु है जो भरी सभा में डरता नहीं है। किस बात से? कि कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न गहरा ना कर दे जिसका मेरे पास जवाब न हो। कोई गुरु हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। किसी की हिम्मत होती है? किसी गुरु के फॉलोअर की आज तक हिम्मत हुई है कि बड़ी सभा में बैठ करके घंटे आधा घंटे गुरु से वाद विवाद करे, प्रश्न उत्तर करे? ऐसा हिस्ट्री में हुआ? नहीं हुआ। सुखदाता कौन हुआ? है शांतिदाता, शांति धाम का वासी, सदा सत्य धाम का वासी,
सदा आत्मलोक का वासी, जो इस सृष्टि पर भी आकर के पार्ट बजाता है तो भी है सत्ताधाम में ही मन बुद्धि बुद्धि से रहता है, मन तो है ही नहीं। और सुखदाता कौन हुआ है? वो सत्ताधाम का सदावासी जो इस सृष्टि पर आकर के किसी मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रथ के द्वारा उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को कैसी भी स्टेज हो इस संसार में, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में ज्ञान के फोर्स के आधार पर सुख का ही अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। जो स्वयं सुखी जीवन व्यतीत करेगा वो ही दूसरों को सुख दे सकता है। खुद डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बनाएगा, खुद इंजीनियर होगा तो दूसरों को इंजीनियर बनाएगा। शंकर द्वारा विनाश, डमरू भी दिखाते हैं, किस बात की यादगार है? अरे डमरू का जो डंका है, गांठ है, वो दोनों ओर बजती है, राइट ईयर साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। असुरों को भी संतुष्ट कर देता है और देवताओं को भी संतुष्ट करता है, असुरों को भी वरदान देता है और देवात्माओं को भी वरदान देता है। पक्षपात करता है क्या? नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखता है या देवान की दृष्टि से? आत्मिक दृष्टि से। शंकर का एक नाम आशुतोष के नाम से भी गायब है। आशु माने जल्दी, आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट, जल्दी संतुष्ट होने वाला, ज्यादा मेहनत नहीं लेता। चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबने एक परमात्मा को याद करने का ही पुरुषार्थ किया है। आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा को सभी ने याद किया है, ये तपस्या तो सभी ने की है। तो ये जो तपस्या है, उस तपस्या में एक मूर्ति 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे तीखी जाती है। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति। इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव और विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया, किसको मिला के एक कर दिया? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में विश्वामित्र कौन है? है? सारे विश्व का मित्र कौन है? रामबाण। उसका कोई दुश्मन नहीं बनता क्या? राम बाप का भी दुश्मन बनता है, शिव बाबा, शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है, उस दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र की आत्मा ये पार्ट बजाती है, महादानी राजा हरिश्चंद्र। तो कैसा महादान दिया? बच्चे तुम मुझे अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध स्वाहा कर दो तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा।
तो सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया तो बीवी बाल बच्चे हरिश्चंद के रह गए क्या? नहीं रह गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, उन्होंने हिंसा का आधार लिया, इसलिए वो हिंसा के आधार पर कभी भी विश्व के ऊपर विजय नहीं पा सके। ये विश्व के ऊपर विजय दिलाने का कार्य भगवान ही आकर के जो गीता ज्ञान सुनाता है, उस मत के आधार पर जो चलते हैं वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं कोई भी धर्म की हो, नास्तिक से नास्तिक ही क्यों न, जब उनके शरीर के ऊपर एटम बमों की आग आना शुरू हो जाएगी, कहते हैं ना सर के ऊपर डंडे बजते हैं तब पता चलता है क्या असलियत है। तो वो नास्तिक आत्माएं भी भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाएंगी। तो देखो ऐसा समय अब जल्दी आने वाला है, सारी दुनिया इस संसार में प्रैक्टिकल में आए हुए, खास भारत में आए हुए भगवान के सामने झुकेंगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपयशी ही अपयश मिलता रहता है, अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट में उनको बुराई मिलती है। शिव बाबा का पार्ट कैसा है? हैं? ऐसा ही पार्ट है, अच्छे के लिए करता है और क्या मिलता है? हैं? अपयश मिलता है। दुनिया वालों से मिलता है या अपने बच्चों से भी मिलता है? हैं? अपने बच्चों से भी मिलता है। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं? हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? किस लिए? कुछ न कुछ शिव बाबा को अपयश है देने की बात बुद्धि में मन में समा जाती है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। सारी दुनिया का बीज कौन है? जैसे मनुष्य से मनुष्य सृष्टि आता है तो वो वृक्ष। अरे मनुष्य सृष्टि तो मनुष्य तो बीज है ही, मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु बिगड़ते हैं। तो मूल तो मनुष्य है ही, लेकिन मनुष्यों में भी बीज कोई है या नहीं है? अरे कोई बीज है ना, बीज ऐसा है जो अविनाशी है। इसलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं शंकर का जन्म और मरण नहीं होता है, और सबका जन्म मरण है देहधारियों का, उसका न जन्म है न मृत्यु है। ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसका मृत्यु जरूर होगी। एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है। तो वो सारी दुनिया के जीव जंतुओं का बीज है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य राक्षस देवताएं, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी चीज नहीं जो है जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे शब्द एक के लिए बोला जाता है कि अनेकों के लिए बोला जाता है? एक के लिए बोला जाता है। उस बीज से सारी दुनिया उत्पन्न होती है,
उसमें सभी जानवरों के संस्कार भी समाये हुए, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं 84 लाख योनियां।